हम उन तमाम सत्यम न्यूज के दर्शकों का आभार जताते हैं जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए आप खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही जिले में हो रहे अवैध मिट्टी खनन, ओवरलोडिंग व सड़कों पर फर्राटा भर रहे डग्गामार वाहनों के खिलाफ डीएम के निर्देश पर एआरटीओ अरुण कुमार के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों से डेढ़ दर्जन ऐसे वाहनों पर मुकदमा दर्ज कर चालान करते हुए 5 लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग व एआरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी शारदा मिश्रा के नेतृत्व में निकली टीम ने भदोही के धौरारा में 2 ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इसी तरह चौरी इलाके के कोम से अवैध मिट्टी खनन में लगे 3 ट्रैक्टरों को दबोच कर चौरी पुलिस के हवाले किया गया है। इसी तरह एक बस को भी कार्रवाई करते हुए टीम ने चौरी पुलिस के हवाले किया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया व डग्गामार वाहन चालकों में हड़कंप मचा है। गोपीगंज इलाके के अमोवा माफी गांव में एक ही परिवार में 2 मौतों से जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। पोते की मौत से सदमे में आकर दादी की भी जान चली गई है। बताया जाता है कि अमोवा माफी गांव निवासी बबलू गुप्ता का 22 वर्षीय पुत्र राहुल गुप्ता बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। रात को उसकी तबीयत बिगड़ गई, परिजन अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राहुल का शव जब घर पहुंचा तो उसकी दादी केसा देवी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। एक साथ घर में हुई 2 मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। राहुल गुप्ता के माता पिता व भाई हैदराबाद में रहते हैं। सूचना मिलते ही परिजन हैदराबाद से भदोही के लिए रवाना हो गए। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत कोकलमऊ देईपुर गांव में 5 कमरों का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोर कीमती कपड़े व पीतल के बर्तन उठा ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोकलमऊ के देईपुर गांव निवासी प्रेमचंद उर्फ बाबा तिवारी पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। मकान में ताला लगा हुआ था। रात में चोरों ने मेन गेट सहित 5 कमरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ताला टूटा देख पड़ोसियों ने इसकी जानकारी मुंबई में रह रहे बाबा तिवारी को दी, जहां बाबा तिवारी ने इसकी जानकारी गांव के प्रधान को दी। प्रधान की सूचना पर पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। चोर कीमती कपड़े व पीतल के बर्तन उठा ले गए हैं। धारा 419, 420, 471, 304 व इंडियन मेडिकल काउंसिल के तहत दर्ज मुकदमे में हाजिर न होने और फरार चल रहे आरोपी के घर पाली पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय ने पहुंचकर धारा 82 की नोटिस आरोपी के घर पर चस्पा की है। सूर्यामा इलाके के बहरेची निवासी डॉक्टर जांस शर्मा के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वह काफी दिनों से फरार चल रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर पाली पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष राय दल बल के साथ पहुंचकर डुगडुगी बजवाते हुए बहरेची गांव के लोगों की मौजूदगी के बीच धारा 82 की नोटिस चस्पा करते हुए तय समय पर हाजिर होने की बात कही है। कोइरौना थाना इलाके के सिमरात गांव में संचालित होने वाले एक दवाखाने पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजन गलत इंजेक्शन व इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दवाखाने पर जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। सिमरात निवासी रामाशंकर की 45 वर्षीय पत्नी फूलपत्ती देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजन सिमरात के एक दवाखाना पर लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन के चलते फूलपत्ती देवी की मौत हो गई। आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोइरौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु जहां भेज दिया था, वहीं डॉक्टर को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुजातपुर गांव के समीप कुछ मनबड़ युवकों ने ऋषभ सिंह नामक छात्र की पिटाई कर दी है। पिटाई से छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने इसकी जानकारी गोपीगंज पुलिस को दी है। सारीपुर निवासी धीरज सिंह का पुत्र ऋषभ सिंह दानी पट्टी के एक स्कूल से वाइबा की परीक्षा देकर अपने साथियों संग घर लौट रहा था, तभी सुजातपुर गांव के समीप खड़े कुछ मनबड़ युवकों ने उसकी पिटाई कर दी है। पिटाई से छात्र को चोटें आई हैं। इलाके के लोगों ने
छात्र को CSC गोपीगंज में भर्ती कराया था। साथ ही परिजनों ने गोपीगंज पुलिस को सूचना देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के रामरायपुर में डिग्री कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, सस्ते गल्ले की दुकान व प्रशिक्षण केंद्र के आम रास्ते व होलिका दहन की भूमि पर हो रहे कब्जे के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इलाके के श्यामलाल मौर्य, शिवचंद पाल, राजकुमारी, ज्ञान प्रकाश पाल, रामबलि सहित दर्जनों लोग भदोही तहसील पहुंचे थे और प्रदर्शन करते हुए भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लिए हुए थे। आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन लाठी डंडे के बल पर गांव की भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। भदोही कोतवाली इलाके के डुडवा धर्मपुरी गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से उपासना देवी नामक 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। कुरैया गांव निवासी उपासना देवी मोड़ बाजार गई हुई थी। लौटते समय डुडवा धर्मपुरी में रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे उपासना देवी नामक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर परिजन मीडिया कर्मियों से बात करने में कतराते नजर आए। महिला की मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। ऊंच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान ऊंच पुलिस ने 60 किलो गांजा के साथ 5 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान जंगीगंज ओवरब्रिज के समीप से गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 60 किलो गांजा, 6 मोबाइल व कार को बरामद किया गया है। बरामद सामानों की कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक बिहार के जंगलों से गांजा खरीदकर दिल्ली, नोएडा आदि शहरों में यह गांजा तस्कर बेचते थे। औराई के उगापुर नहर के समीप सड़क हादसे में घायल बाइक सवार लल्ला यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जोरई गांव निवासी लल्ला यादव बाइक से मिर्जापुर की तरफ से लौट रहे थे, जहां रात में उगापुर नहर के समीप एक सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के लिए यूपी डायल 112 पुलिस कर्मियों ने CSC औराई में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अनियंत्र रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान लल्ला यादव की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। परसदी विद्यालय के परिसर के अंदर लगा विद्युत पोल हादसे को दावत दे रहा है। कभी भी विद्युत पोल धाराशाही हो सकता है। बावजूद विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के धनापुर उत्तरी का है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते विद्यालय के मासूम बच्चों के सिर पर मौत मंडरा रही है। बावजूद विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। धनापुर उत्तरी कंपोजिट विद्यालय परिसर में पिछले 6 माह से विद्युत पोल खंभा लटका हुआ है, जो कभी भी धाराशाही हो सकता है। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, लेकिन विद्युत विभाग पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। धनापुर के भोला बिंद, पंकज बिंद, त्रिवेणी प्रसाद जायसवाल ने विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्यालय परिसर में लटक रहे विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। चौरी इलाके के जगदीशपुर गांव के समीप मालगाड़ी के सामने आकर 50 वर्षीय मोतीलाल यादव नामक किसान ने जान दे दी है। चौरी इलाके के महुआपुर गांव निवासी मोतीलाल यादव के घर पर मकान का निर्माण चल रहा था। इसी दौरान साइकिल लेकर मोतीलाल घर से निकल पड़े और जगदीशपुर गांव के समीप पहुंचकर भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी ट्रेन के सामने आकर जान दे दी। जेब में मिले आधार कार्ड से मोतीलाल की शिनाख्त हुई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मोतीलाल के पुत्र मुंबई में रहते हैं। हादसे से पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है। मोतीलाल यादव ने यह कदम क्यों उठाया, यह एक रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत ज्ञानपुर ब्लॉक के अकोड़ा ग्राम सभा में भदोही जिला प्रशासन द्वारा जन चौपाल लगाया गया था। जन चौपाल में परियोजना निदेशक श्याम जी
खंड विकास अधिकारी विजय नारायण तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, विजय बहादुर सिंह, गिरजा शंकर पाठक सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे, जहां ग्रामीणों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अर्चना पाल की जहां ग्रामीणों ने शिकायत की, वहीं हल्का लेखपाल को अधिकारियों ने गौशाला बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। परियोजना निदेशक ने गांव के विकास कार्यों की हकीकत भी परखी है। ग्रामीणों की मांग पर ज्ञानपुर ब्लॉक के प्रमुख पति अखिलेश्वर प्रताप सिंह उर्फ बबलू ने गांव में हाई मास्ट लाइट लगवाने व मेला स्थल पर इंटरलॉकिंग कराने का आश्वासन दिया है। चौरी इलाके के पलहिया जोगीपुर में श्री मन कामेश्वर महादेव मंदिर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। रामायण पाठ के संपन्न होने के बाद मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर पर आयोजित प्रथम विशाल पटो उत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूजन अर्चन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक चलता रहा। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में राकेश सिंह, आशीष तिवारी, दिनेश सिंह, मेवालाल प्रजापति, हरि नारायण तिवारी आदि भक्तगण शामिल रहे। बंद कमरे में विवाहिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस वारदात से ससुराली व मायके वाले खुद हैरान हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बर्जी कला गांव का है। चंदौली की रहने वाली 23 वर्षीय इशरत बेगम की शादी बर्जी कला गांव निवासी आसिम अली के साथ वर्ष 2022 में हुई थी। पति पत्नी के बीच संबंध बेहद बेहतर बताए गए हैं। बताया जाता है कि अभी 10 दिन पूर्व आसिम अली घर से मुंबई के लिए गया हुआ था। रात में भोजन के बाद इशरत बेगम अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजन परेशान हो गए। जहां दरवाजा तोड़कर देखा तो इशरत बेगम रस्सी के सहारे कमरे में पड़ी थी। सूचना पर मायके वाले पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। समस्याओं का समाधान न होने से परेशान फरियादी अब अपनी शिकायत लेकर विधायक की दहलीज पर पहुंचने लगे हैं। लगातार पहुंच रही शिकायतों को देखते हुए औराई विधायक दीनानाथ भास्कर को औराई के त्रिलोकपुर विधानसभा कार्यालय पर जन चौपाल लगाना पड़ा, जहां शुक्रवार को कुल 50 शिकायतें पहुंची थी, जिसमें भूमि आवास सहित तमाम शिकायतों को लेकर फरियादी पहुंचे थे। शिकायतों को सुनने के बाद औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अधिकारियों को तत्काल मामले का निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। लगभग 4 घंटे तक औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने जनता की शिकायतें सुनी हैं। इस मौके पर विजय नारायण गौतम, चुन्नू दुबे, नागेंद्र सिंह, चिट्टू बघेल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के धनापुर पहुंची गुड़गांव की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने बताया कि गुड़गांव में एक युवती द्वारा धनापुर निवासी एक युवक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले में गुड़गांव की पुलिस गोपीगंज के धनापुर गांव में पहुंची थी। गुड़गांव पुलिस युवक के घर छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर गुड़गांव लेकर चली गई है। छापेमारी से गांव में हड़कंप मच गया था। ज्ञानपुर इलाके के चक किसुनदास गांव में नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ व प्रवचन के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। चक किसुनदास के पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पर नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ व प्रवचन का आयोजन किया गया था। 26 जनवरी से मंदिर पर कार्यक्रम चल रहा था, जहां 3 जनवरी को नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ व प्रवचन के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे। समूचे कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रमुख रूप से डॉक्टर नारायण स्वामी जी महाराज, आचार्य राजदेव भट्ट, धर्मदेव भट्ट, वीरेंद्र कुमार राय मुन्ना आदि लोग शामिल रहे। औराई के जयरामपुर की रहने वाली किरण सोनकर नामक महिला एसपी दरबार पहुंचकर दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। किरण सोनकर ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा है। मुकदमा उठा लेने की धमकी देने के साथ गांव छोड़ देने की बात कह रहे हैं। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है और घर में घुसकर नकाबपोशों ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए कपड़े भी फाड़ दिए हैं। किरण सोनकर का कहना है कि उसकी शिकायत उसने औराई थाने पर की थी, लेकिन धनांडियों के आगे गरीब महिला की औराई पुलिस नहीं सुन रही है।
एसपी को शिकायती पत्र देते हुए महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदीपुर मिश्रान में सरकारी भूमि पर मौजूद हरे आम के पेड़ को काटा जा रहा था। सूचना पर पहुंचे बीट प्रभारी रामेश्वर नाथ शुक्ल की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने फौदीपुर के मिश्रान बस्ती निवासी गया प्रसाद मिश्रा सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही लकड़ी ढोने वाले ट्रैक्टर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। राजस्व न्यायालय में वादों के शीघ्र निस्तारण को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी राजस्व शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने नायब तहसीलदार, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। भदोही जिले में बढ़ते जमीनी विवाद को लेकर अब जिले के आला अफसरों ने सक्रियता बढ़ा दी है, जहां अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जमीन संबंधित विवादों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचे और मुआयना करते हुए मामलों का निस्तारण कराए। आप अपने इलाके की खबरों व समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।